दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के तत्वावधान में हापुड़ घटना को लेकर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मुरादाबाद के अधिवक्ता 13 दिन से हड़ताल पर हैं, जिसके कारण वादकारियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हापुड़ घटना को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा गुरुवार को प्रदेश सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया। बुधवार को अधिवक्ता बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर दीवार काउंसिलिंग और एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद अध्यक्ष अशोक कुमार सक्सेना और महासचिव अभय कुमार सिंह के संयुक्त नेतृत्व में जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कचहरी परिसर में घूमकर और अनेक न्यायालय में गए। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में नगर मजिस्ट्रेट किंशुंग श्रीवास्तव को एक ज्ञापन पेश किया गया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में कहा गया कि हापुड़ पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर किए गए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद घोर निंदा करता है। 3 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई कि अविलंब जिलाधिकारी हापुड़, पुलिस अधीक्षक हापुड़ और क्षेत्राधिकारी हापुड़ का स्थानांतरण अनियंत्रित किया जाए। दोषी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध अविलंब मुकदमे दर्ज कराए जाएं और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। घायल अधिवक्ताओं को उचित मुआवजा दिया जाए। अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होंगे। प्रदर्शन के उपरांत अधिवक्ता बार सभागार में इकट्ठा हुए और अगली रणनीति पर विचार विमर्श किया। बताया गया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हापुड़ घटना को लेकर मुरादाबाद के अतिरिक्त अधिवक्ता बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका जाएगा। कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हापुड़ घटना को लेकर मुरादाबाद के अधिवक्ता बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूकेंगे एवं अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पर धरना भी देंगे। दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष अशोक कुमार सक्सेना और महासचिव अभय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से क्या कहा, ये सुनते हैं। घटना को लेकर आगे क्या कार्यक्रम है? जैसा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का निर्देश होगा उसी के अनुसार यहाँ कार्य कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल पुतला दहन होगा और धरना दिया जाएगा, उसी के अनुसार कल यहाँ पुतला दहन और धरना दिया जाएगा। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, एसपी और डीएम का ट्रांसफर नहीं हो जाता, दोषी जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती और वकीलों का उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा। पुतला दहन के लिए कोई स्थल चिन्हित किया गया है आपके द्वारा? मतलब ये बात भी अगर आपको बतानी पड़े, अगर पुतला दहन होगा तो पुतला दहन होगा भाई। मतलब कलेक्ट्रेट पर करेंगे, कहाँ करेंगे, कचहरी परिसर में? इच्छा पर निर्भर है कि हम पुतला दहन कहाँ करेंगे, आप भी इंतजार करिए। अच्छा, हमारे साथ साथ रहिए। अच्छा, ये गुप्त रखना चाहते हैं? गुप्त ही, आप हमारे साथ रहिए सुबह से शाम तक, आपको पता लग जाएगा पुतला दहन कहाँ करेंगे। धन्यवाद। देखिए, जो हमारे पास हापुड़ प्रकरण को लेकर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल जो इसको लीड कर रही है आंदोलन को, उसका निर्देश था कि आज हम लोग प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपेंगे माननीय जिलाधिकारी। प्रदर्शन करके हमने जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन सौंप दिया है। कल का जो कार्यक्रम है वो धरना है हमारा, 12 से 3 हमारा धरना चलेगा बाहर कलेक्ट्रेट में, उसके बाद हम सरकार का पुतला फूकेंगे। ये हमारा कल का कार्यक्रम है और कल भी हमारे न्यायालयों में जो है वो न्यायिक कार्य से अधिवक्ता व्रत रहेंगे, हड़ताल रहेंगे। आगे जैसा भी कार्यक्रम आएगा बार काउंसिल का, फिर उसका पालन करें। मुख्य मांग घटना को लेकर मुख्य मांग कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उनका तुरंत तबादला करें। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि एक इंस्पेक्टर को सस्पेंशन कर देते उसका और सीओ का ट्रांसफर कर देते, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि सरकार एक इतने से छोटे से इशू को इतना बड़ा बनाने पर तुली हुई। तो मेरा निवेदन है कि इस मांग को तुरंत पूरा करके इन अधिवक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखें, हमारे मान सम्मान को भी ध्यान रखें। यही निवेदन है, धन्यवाद। इस मौके पर दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद की पूर्व अध्यक्ष हाजी सैयद अमरुल हसन जाफरी, आदेश श्रीवास्तव, विनय कौशिक के अलावा सुनील कुमार सक्सेना, आनंद मोहन गुप्ता, अभिषेक भटनागर, आदित्य श्रीवास्तव, सीता सैनी, निदा वारसी, रमा पांडे, सुशील शर्मा, काली सोलर, डिफरेंट नवाब इंतार और हाजी मोहम्मद आमिर शाहिद भारी संख्या में मौजूद रहे।